हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार बीएड का 6 जुलाई 2022 का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, तो 6 जुलाई 2022 में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। शमी, आँखों का तारा होना इसका क्या अर्थ है? जाहिर सी बात है, आँखों का तारा होना यानी कि प्यारा होना। ऑप्शन ए इस राइट। यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है, उदाहरण है हेतु हेतुवत भूतकाल का। ऑप्शन सी इस राइट। लड़के नदी में तैर रहे हैं, उदाहरण है सामान वर्तमान काल का। ऑप्शन ए इस राइट। अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन डी धरा। दर्शनीय दर्शनीय में प्रत्यय कौन सा होगा? दर्शनीय ईय। ऑप्शन ए इस राइट। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए इस राइट। हिंदी होती सिंपल आई है। कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो कीर्ति का विलोम शब्द होता है अपकीर्ति। ऑप्शन सी इस राइट। देखिए आपका गद्यांश दिया गया है, गद्यांश में आपको क्वेश्चन चूज करने हैं। क्वेश्चन किसकी पूजा सदैव नहीं होती है? ऑप्शन बी धन की। उनकी कीर्ति अच्छा है जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया। ऑप्शन सी इज राइट। उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही जिन्होंने। ऑप्शन ए इज राइट। पेपर जो थोड़ा सा धुंधला है। पूजा उन्हीं की होती है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की हो। ऑप्शन सी इज राइट। मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है? स्वार्थ की। ऑप्शन डी इज राइट। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा होगा? तद्भव शब्द हो जाएगा किवाड़। ऑप्शन बी इज राइट। सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन बी इज राइट, संज्ञा। अब देखिए यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 31 का बी हो जाएगा, इस बच्चे ने टिक किया है। 32 का इस बच्चे ने बी टिक किया है। 33 का इस बच्चे ने डी टिक किया है। और 34 का इस बच्चे ने टिक नहीं किया, छोड़ दिया है फिलहाल। 36 का इस बच्चे ने ए टिक किया है। 37 की बात कर लेते हैं, इसको भी छोड़ दिया इन्होंने। आंसर खैर लगे तो है। 37 का देखिए इस बच्चे ने ए टिक किया है। 38 का इस बच्चे ने डी टिक किया है। 39 का इस बच्चे ने डी टिक किया है। 40 का इस बच्चे ने डी टिक किया है। लोग गॉगल्स पहनते हैं क्योंकि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए, अत्यधिक उपयुक्त उत्तर को चुने। लोग गॉगल्स पहनते हैं क्योंकि वे रोशनी को चकाचौंध से आंखों को बचाने के लिए इसका यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं लेते हैं क्योंकि अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता है। ऑप्शन बी इज राइट। पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऑप्शन सी इज राइट। फायर्ड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है? अहम अतिहन इदम। ऑप्शन सी इज राइट। भाषा है तो भाषा एक भावना है। ये देखिए आपका रजनी का क्वेश्चन है। तो देखिए 46 का डी इस बच्चे ने टिक किया है। 47 का इस बच्चे ने डी टिक किया है। 48 का इस बच्चे ने सी टिक किया है। और 49 का इस बच्चे ने डी टिक किया है। 50 का इस बच्चे ने डी टिक किया है। ठीक है, अब देखिए यहां से निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुने। क्वेश्चन क्या है? बच्चों को धूम्रपान से बचना चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऑप्शन डी इज राइट। बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका भार कम होता है बनिस्मल आयतन के पानी के भार से। ऑप्शन सी इज राइट। लोग अपने जूतों में रबर का तल्ला प्रयोग करते हैं क्योंकि वे कम आवाज करते हैं। तो ऑप्शन सॉरी वे टिकाऊ होते हैं, इस बच्चे ने टिक किया है। ऑप्शन डी। बहरा हमेशा गूंगा होता है क्योंकि इस बच्चे ने डी वाले ऑप्शन में टिक किया है, दूसरों से सुनकर बोलना सीखना। अगला क्वेश्चन, प्लेटिनम चांदी से अत्यधिक महंगा है क्योंकि इस बच्चे ने सी वाले ऑप्शन में टिक किया है, कम पाया जाने वाला। ठीक है, सामान्य जानकारी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। हॉर्स पावर बराबर है इस बच्चे ने 776 वाट्स की है। हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इस बच्चे ने सी वाले ऑप्शन टिक किया है, रमणा एनवी। अगला क्वेश्चन,
कैटेगरी में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो इस बच्चे ने सी वाले ऑप्शन टिक किया, हिमाचल प्रदेश। बैंक नोट प्रेस कहाँ अवस्थित है? इस बच्चे ने बी वाले ऑप्शन पर टिक किया है। कौन से महापुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? वैसे किस बच्चे ने मौलाना अबुल कलाम आजाद पर टिक किया है, ऑप्शन डी पर। टेरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये किस नदी पर स्थित है? तो इस बच्चे ने बी वाले ऑप्शन पर टिक किया है, महानदी। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इस बच्चे ने सी वाले ऑप्शन पर टिक किया, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग में पीएचपी है? तो इस बच्चे ने बी वाले ऑप्शन पर टिक किया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन पर टिक किया है, 5 दिसंबर। हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का अकादमी पुरस्कार किस महिला कवित्री ने जीता है? इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन पर टिक किया है, अनीता वर्मा। भारतीय संविधान, इस बच्चे ने सी वाले ऑप्शन पर टिक किया है, कठोरता और लचीलापन का समुद्र। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन पर टिक किया है, फुटबॉल। नीति आयोग का गठन, इस बच्चे ने 1 जनवरी 2015 पर टिक किया है। PNR 381 एक उन्नत किस्म है? इस बच्चे ने सी वाले ऑप्शन पर टिक किया है, दाल। भैंस की सबसे समुद्र नस्ल कौन सी है? तो इस बच्चे ने तोता पारी पर टिक किया है, ऑप्शन सी पर। विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्कल स्टाइल है? उस बच्चे ने बी वाले ऑप्शन पर टिक किया है, भारत। नोबल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था के द्वारा दिया गया? तो इस बच्चे ने WFC, ऑप्शन सी पर टिक किया। बिहार के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो इस बच्चे ने विजय कुमार चौधरी पर टिक किया है। बिहार के साहित्यकार की बात हो रही है, राम दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित राम अवतार शर्मा, ऑप्शन डी राइट। इस बच्चे ने डी वाले ऑप्शन टिक किया है। लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण है? इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन टिक किया है, मैसेज। निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है? हेमाटाइट। इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन पर टिक किया है, शुद्ध सोना है। तो इस बच्चे ने बी वाले ऑप्शन टिक किया है, 24 करा। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? इस बच्चे ने बी वाले ऑप्शन पर टिक किया है, कोड। किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन टिक किया है, विटामिन सी। ऑटोमोबाइल से निकास से निकलने वाले हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व हैं? इस बच्चे ने बी वाले ऑप्शन टिक किया है, बेंजीन है। इस बच्चे ने डी वाले ऑप्शन पर टिक किया है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? इस बच्चे ने बी वाले ऑप्शन पर टिक किया है, क्रोम। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर पर टिक किया है इस बच्चे ने। निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी कहलाते हैं? तो इस बच्चे ने रामदेव मिश्रा पर टिक किया है। आपातकाल के बीच पारित अति विवादित जो अध्यादेश है वो कौन सा है? कौन से है? 42वें। इस बच्चे ने सी वाले ऑप्शन पर टिक किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की किस राज्य में आरंभ की गई? तो इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन पर टिक किया, राजस्थान। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो इस बच्चे ने सी वाले ऑप्शन पर टिक किया, 1 जनवरी 1903। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया? तो इस बच्चे ने डी वाले ऑप्शन पर टिक किया, 2 सितंबर 1985। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम, ऑप्शन सी इज राइट। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इस बच्चे ने 1953 पर टिक किया है। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई? तो इस बच्चे ने सी वाले पर टिक किया है, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन सा है, कौन है? तो इस बच्चे ने डी वाले पर टिक किया, जनरल बिपिन रावत। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो इस बच्चे ने ए वाले पर टिक किया है, गंगा बेसिन। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? इस बच्चे ने पश्चिम बंगाल पर टिक किया है। आवृत्ति की इकाई है? तो इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन पर टिक किया है, HZ। अब देखिए, यहाँ से आपके विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। निम्न में से कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है? इस बच्चे ने सी वाले ऑप्शन पर टिक किया है। किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है? वस्तुनिष्ठा। इस बच्चे ने डी वाले ऑप्शन पर टिक किया है। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? किशोरावस्था। इस बच्चे ने सी वाले ऑप्शन पर टिक किया है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन पर टिक किया है। शिक्षण का उद्देश्य, इस बच्चे ने डी वाले ऑप्शन पर टिक किया है। कक्षा शिक्षण से रुचि जागृत करने को निम्न कौन सी है? तो इस बच्चे ने डी वाले ऑप्शन पर टिक किया है। मूल शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में
नैतिक मूल का, इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन पर टिक किया है। निम्न कौन एक अनौपचारिक संस्था है, इस बच्चे ने सेमिनार पर टिक किया है। उपचारात्मकता शिक्षण का कार्य है सैद्धांतिक, तो इस बच्चे ने डी वाले ऑप्शन पर टिक किया है। किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता को की अभिव्यक्ति है, विवेकानंद पर टिक किया इस बच्चे ने। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है, पंपलेट, इस बच्चे ने डी वाले ऑप्शन पर टिक किया। जब बच्चा फेल होता है तात्पर्य है व्यवस्था फेल हुई है। वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्याय भूमिका का एक नियमभूत अनुशासनवादी के समर्थन करता है, आदर्शवाद, इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन पर टिक किया है। निम्न में से शिक्षा के कौन सो स्तंभिंग किसके साथ सहारा मिला है, सहारा मिला है, ऑप्शन डी टिक किया इस बच्चे ने, दूसरों के साथ शांति। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लगा, 1 अप्रैल 2010 पर टिक किया इस बच्चे ने। और देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है। गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न करता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है, भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालक्रम में प्रदर्शित कीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछे गए, कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक से करता है, इस बच्चे ने सी वाले ऑप्शन पर टिक किया है। आधुनिकीकरण प्रक्रिया है, इस बच्चे ने बी वाले ऑप्शन पर टिक किया है, अनुकूलता और परिवर्तन। मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में से इस विचार से प्रारंभ किया गया है समुदाय को शामिल करने के, इस बच्चे ने बी वाले ऑप्शन पर टिक किया है। निम्न से कौन से शिक्षण को आप अत्यधिक पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन था कि ESIT स्थापित हुआ था। 19वां क्वेश्चन था प्रयोजन विधि प्रतिपादित की है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है, तो इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन पर टिक किया है, व्याख्यान और सेतुलेख।